हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है UCMS जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। नहीं समझे, UCMS मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही अंडर आता है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ही आता है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप सभी को पता होगा, जिसके चांसलर भी भारत के वाइस प्रेसिडेंट है। तो दोस्तों, इसी के अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जो कि एक ग्रुप सी की पोस्ट है और ये कंप्लीटली मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, मतलब पूरी तरीके से क्लरिकल पोस्ट है। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बढ़िया वैकेंसी है। तो आगे इस वीडियो में इस यूनिक वैकेंसी के रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको दूंगा, पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही दोस्तों इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के जाऊंगा, साथ ही दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एजमिट क्वालिफिकेशन यहां पर क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, पीडीएफ फॉर्म में सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा, साथ ही इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस यूनिक सी वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले सभी रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए एक गुड न्यूज है दोस्तों, हमारी रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक फिर से Amazon Flipkart के ऊपर हैवी स्टॉक में अवेलेबल हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इससे पहले बुक आउट ऑफ स्टॉक हो फटाफट इस प्यारी सी बुक को खरीद के अपने घर पर अवेलेबल करा के नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू कर दीजिए। केवल रेलवे NTPC नहीं, हर एक रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये बुक। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया है, ये वैकेंसी निकल के आई है UCMS की तरफ से, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का ही डिपार्टमेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसी 29 यहां पर आ चुकी है, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी इसके 18 सितंबर से स्टार्ट हो रखे, फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 9 अक्टूबर 2024 रखी गई है। फॉर्म भरने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर इसका काफी फास्ट चलेगा। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ₹500 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं, एसटीएससी पीएच फीमेल्स के यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, और ये इसका एक प्लस पॉइंट है, यहां पर मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल है जनरल वालों के लिए, मिनिमम एज लिमिट का यहां पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, फिर चाहे आपकी उम्र 15 साल हो, 16 साल हो, 18 साल हो, 20 साल हो, डजंट मैटर, बस 27 साल से ज्यादा जनरल वालों की एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। एज आपकी 9 अक्टूबर 2024 तक कैलकुलेट होगी, बाकी ओबीसी एसटीएससी वालों को तो एज में रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा, ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटीएससी वालों को 5 साल का मिलता है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि मुझे काफी पसंद आया। जी हां दोस्तों, सभी 12th पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है, बहुत ही लंबे टाइम के बाद 12th पास वालों के लिए कोई सरकारी नौकरी निकल के आई है, वरना बस NTPC की है और कोई काफी टाइम से वैकेंसी नहीं थी 12th पास वालों के लिए, तो क्लेरिकल पोस्ट है, सभी 12वीं पास कैंडिडेट बढ़ चढ़कर इसके लिए फॉर्म अप्लाई करिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 200 नंबर का, डिटेल से जानकारी दूंगा। स्टेज सेकंड में एक स्किल टेस्ट होने वाला, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा। तो चलिए डिटेल से समझते हैं एग्जाम पैटर्न वगैरह को। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपका 200 नंबर का एक एग्जाम होगा, 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, दूसरा रीजनिंग, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, तीसरा मैथमेटिकल एबिलिटी, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, चौथा आपका हिंदी या फिर इंग्लिश रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर रहेंगे। या तो आप इंग्लिश के 50 क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर हिंदी के सोल्व कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 3 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, ये इसका तीसरा प्लस पॉइंट है। 200 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 3 घंटे आपके पास है, काफी टाइम है। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। देखे दोस्तों, साथ ही आपका इसमें एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रखा गया, जिसको पेपर सेकंड का नाम दिया गया है, जिसमें आपका एसे और कॉम्प्रिहेंशन लेटर राइटिंग रहने वाला है, निबंध मतलब लेटर और कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा, 100 नंबर का ये रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर, 1 घंटा आपकी टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है, क्लियर है। तो टोटल अगर हम एग्जाम की बात करें 300 नंबर का हो जाता है, यानी कि 200 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव पेपर और 100 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो कि मेरे हिसाब से तो इजीली आप क्वालिफाई कर लोगे, क्लियर है। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ कैटेगरी वाइज बनती है, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का छुटकू सा सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में मैंने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वे टू सक्सेस टेलीग्राम
2011 के अंदर प्रोवाइड करा दिया, ऑफिशियल एग्जाम सिलेबस है बिल्कुल, ठीक है। वहां से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिलेबस बहुत ही छोटा सा है, कोई एडवांस मैथ वगैरह एग्जाम में नहीं है, सिंपल सा ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी वेबसाइट पर दे रखा है इन्होंने पूरा का पूरा। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका एक स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो। हिंदी की टाइपिंग करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी है, इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी है। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, कोई भी नंबर आपको यहां पर नहीं दिया जाता। अगर फिलहाल आपको टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म भरने के बाद ही टाइपिंग सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग मेरे हिसाब से बहुत बड़ा टास्क नहीं है, क्लियर है। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फाइनल मेरिट बनेगी, जो कि एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी 300 नंबर में से, ठीक है। कैटेगरी वाइज अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका UCMS डिपार्टमेंट के अंदर या फिर इंस्टीट्यूट के अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी? सैलरी दोस्तों आपको काफी ठीक ठाक मिल रही है, लेवल 2 की ये पोस्ट है, ठीक है। 1900 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद 40,000 के आसपास आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है तो सैलरी आपको पहले से काफी बेहतरीन यहां पर मिलती है। प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया है, जल्दी ही आपका इसमें यूडीसी या फिर सीनियर सेक्टेड असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन हो जाता है, या फिर सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। एग्जाम सेंटर्स आपके ऑल ओवर इंडिया रहेंगे, आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें, मतलब काम आपको क्या करना पड़ेगा, जूनियर असिस्टेंट एक क्लरिकल पोस्ट है, हमेशा आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होता है। बात करें जॉब लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली कैपिटल के अंदर ही रहेगी, क्योंकि UCMS जो इंस्टीट्यूशन जो कॉलेज है वो दिल्ली के अंदर ही है। तो यार ये भी काफी बढ़िया बात लगी, दिल्ली कैपिटल के अंदर गवर्नमेंट जॉब करने का मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से फॉर्म भर दीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके बिंदास पूछिएगा। बट उससे पहले सभी रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए एक गुड न्यूज है दोस्तों, हमारी रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक फिर से Amazon Flipkart के ऊपर हैवी स्टॉक में अवेलेबल हो चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इससे पहले बुक आउट ऑफ स्टॉक हो फटाफट इस प्यारी सी बुक को खरीद के अपने घर पर अवेलेबल करा के नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू कर दीजिए। केवल रेलवे NTPC नहीं, हर एक रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये बुक, जिसमें RRB NTPC CBT 1 2021 के एग्जाम में पूछे गए सभी शिफ्ट के क्वेश्चन मेंटेन है GS के। देखिए 28 दिसंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए, 28 दिसंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए, GS के सारे सॉल्यूशन मेंटेन कर रखे हैं। ऐसे ही रेलवे ALP CBT 1 CBT 2 2018 के सभी क्वेश्चन मेंटेन है, ग्रुप डी 2018-2019 वाले सभी क्वेश्चन मेंटेन है, RPF SI और कांस्टेबल 2018 के सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन यहां पर हमने मेंटेन कर रखे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर रेलवे एग्जाम्स, यानी कि दोस्तों रेलवे एग्जाम्स के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जनरल अवेयरनेस के, वो हमने मिक्स्ड फॉर्मेट में एग्जाम फॉर्मेट में मेंटेन कर दिए। यहां पर है इंपोर्टेंट स्टैटिक GK फॉर ऑल रेलवे एग्जाम्स, यहां पर हमने स्टैटिक GK के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक मेंटेन कर दिए और उन सभी टॉपिक से सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस मेंटेन कर दिए। जैसे कि स्टैटिक GK का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य शैली एवं नर्तक नर्तकी, ये सभी क्वेश्चंस है। उसके बाद लोक कला और नृत्य शैली है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इससे पहले बुक आउट ऑफ स्टॉक हो फटाफट इस प्यारी सी बुक को खरीद के अपने घर पर अवेलेबल करा के नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो यार इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।